और माननीय मुख्यमंत्री के कहने पर, इनका चुनावी एजेंडे पर लोगों को विश्वास था कि हमारी सरकार बनेगी तो यहां के नौजवानों को 5 लाख रोजगार हम देंगे 6 महीने के अंदर में। वो भी पानी में फिर गया। अभी यहां जितना युवा लोग हैं आंदोलन में उतरे हुए हैं, सड़क पर उतरे हुए हैं, और हमको लगता है कल भी जानकारी है सबको, उन लोगों ने घोषणा कर दिया है कल से 10 और 11 वो लोग झारखंड बंद करेंगे। मजबूर होकर के लोगों को झारखंड बंद का आह्वान करना पड़ा और आज मशाल जुलूस भी निकालने वाले हैं। तो ये 60-40 60-40 तक मैं भी नहीं समझ पाया और लोग भी समझ नहीं पा रहे हैं और न यहां के छात्र समझ पा रहे हैं। ये 60-40 है तो क्या है और 60 में है तो कौन है, ये भी डिफाइन नहीं हो पाया। और तो और यहां पर जो उन्होंने कहा था कि मैं स्थानीय नीति बनाऊंगा, लेकिन स्थानीय नीति आज तक नहीं बन पाया, जिसके चलते अभी लोगों में ये उधेड़बुन है। जब स्थानीय नीति नहीं बना तो आखिर हम सरकार किसको डिफाइन करती है कि ये यहां का स्थानीय व्यक्ति है? ये थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड के लिए भी लोगों को आंदोलन करना पड़े, भीख मांगना पड़े, ये तो बहुत शर्म की बात है। और ये सारी बात सरकार के चुनावी एजेंडा में था, इसीलिए लोगों को विश्वास था। लेकिन अभी फिर इधर सरकार ने एक सही उपाय छोड़ दिया कि कंपनी में 75% नौजवानों को नियुक्ति मिलेगी। मैं कहता हूं कि अभी तक जिस दिन से सरकार ने घोषणा किया कि 75% यहां के नौजवानों को कंपनी में रखा जाएगा, तो सरकार उसका लिस्ट जारी करे किस किस जिला में, किस किस कंपनी में, कहां कहां के लोग को नियुक्ति मिली है, सरकार उसका सूची जारी करे, तब न पता चले कैसे में सरकार काम कर रही। और एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट, स्थानीय नीति, नियोजन नीति और पैसा एक्ट, जो यहां के लोगों के लिए मूल चीज है, यहां के मूलवासी, यहां के आदिवासी का जो सबसे जरूरी है, ये आज तक नहीं हुआ। पैसा एक्ट के बारे में सदन में भी हमने इस बात को रखा बड़ा जोर जोर तरीके से, सदन में भी इसका जवाब सही सही नहीं मिल पाया। सदन में यही जवाब मिला कि पैसा एक्ट को लागू करने के लिए अभी अधिकारी लोग नियमावली बना रहे हैं, अभी तक नहीं बना। मैं ये राज्य अलग होने के बाद ये 23 साल गुजरने वाला होने वाला है और अभी तक इसका नियमावली नहीं बना, जिसके चलते यहां पर पैसा एक्ट लागू नहीं हुआ। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।